अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें जो डेरिवेशन है, जो उसमें आपके पास जो फार्मूलाज आएंगे, वो आप न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर सकते हैं या रेलिवेंट एमसीक्यूज में भी वो यूज़ हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक क्या है। कहता है यहाँ पर, लेट्स से कि हमारे पास एक चार्ज है, हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने फाइंड करना है। एक्स यानी क्या मतलब, एक सिंगल चार्ज की वजह से हमने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करना है। इस टॉपिक में डेफिनेशन में कहता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम। यही बताया ना मैंने अभी आपको कि हमने क्या करना है, एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को हमने मेजर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि चार्ज को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो आइए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कहता है, सपोज अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है और उसका जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मतलब, यहाँ पर आप इसको यूँ एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तादाद में, लेकिन हम उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चूज़ करेंगे। अब आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एक लाइन है, इस लाइन पर आपने कुछ पॉइंट ड्रॉ किए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड मिड पॉइंट, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर कहता है कि कोई भी छोटा चार्ज है आपका, उस चार्ज को आपने पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आना है। पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ऊपर आप स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब हम इस चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आएंगे तो क्या होगा, वर्क होगा, अंडरस्टूड बात है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ना, देखने में ऐसा लग रहा है काफ़ी दूर है, लेकिन हकीकत में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अगर ये पॉइंट क्लोज हैं तो होना ये चाहिए, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमें जो वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन है, हमें वर्क करना पड़ेगा बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, ठीक है। क्या बताया, गौर से सुने, ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज क्यू को आपने बी से ए तक लेकर आना है, बी से ए तक लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कहते हैं ये पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है, ये दूर नहीं है, ये बहुत करीब करीब है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। अच्छा, और यहाँ पर जो वर्क होगा, वर्क के लिए क्या कंडीशन है, वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स होना चाहिए। अब हम किसको एक्सप्लेन करते हैं, अब हम यहाँ बात करते हैं जनाब डिस्टेंस की। जो पॉइंट ए है, इसका चार्ज से फासला आर ए है, जो पॉइंट बी है, इसका चार्ज से फासला क्या होगा, आर बी होगा। ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उसके लिए जाहिर सी बात है हम आर बी को आर ए में से माइनस करेंगे, देन यू विल गेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, ये तो था डायग्राम का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं जनाब डेरिवेशन की तरफ। तो अब यहाँ क्या करेंगे, बाई यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपका प्रीवियस टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका रिलेशन था E इक्वल माइनस डेल वी ओवर डेल आर। हम ये रिलेशन यूज़ करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आइए इसको आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। जी, उसी इक्वेशन को अरेंज किया, ये बनी डेल वी इक्वल माइनस ई डेल आर। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करने के लिए आपके पास राइट हैंड साइड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ई की क्या कीमत है, 1/4πε0Q/r² इसको पुट करेंगे। उसके बाद कहते हैं डेल्टा आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, एक इक्वेशन कैसे मिलेगी आपको, आर बी इक्वल आर ए प्लस डेल्टा आर। यहाँ से आपने फाइंड करना है किसको, डेल्टा आर को। तो ये रिलेशन बनेगा डेल्टा आर इक्वल आर बी माइनस आर ए। आपने क्या करना है, आपने ये वाला आर फाइंड करना है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इसमें तो आपको आर स्केयर नज़र आ रहा है, जबकि जो डेल्टा आर है वहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी हैं। तो हम कैसे टैकल करेंगे आर स्केयर को आर ए और आर बी के साथ। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे टैकल करना है। बहुत आसान सा स्टेप है, गौर से समझिए। अभी मैंने आपको बताया था जो पॉइंट ए और बी हैं वेरी क्लोज हैं,
as point A and B are very close, that first approximation we can take arithmetic mean to be equal geometric mean which gives. क्या मतलब, क्या बताया, वो कहते हैं यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम सीरीज सीक्वेंस की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरीज सीक्वेंस है जिसमें नंबर हैं आपके पास 3, 6 और 12. अब क्या किया, जब आपने 6 को 3 पर डिवाइड किया तो आंसर आपके पास 2 आया. इसी तरह जब आपने 12 को 6 पर डिवाइड किया तो भी आपके पास आंसर क्या आया, 2 आया, जो कि क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है. उसमें रेशो ऑफ नंबर शुड रिमेन सेम. 6 को 3 पर डिवाइड करने से भी 2 आया था, 12 को 6 पर डिवाइड करने से भी क्या आया था, 2 आया था. तो आप यहाँ यही बता रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसमें जो रेशो ऑफ नंबर है शुड रिमेन सेम. तो हमारे पास जब तीन पॉइंट एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, जैसा कि आपने बताया पॉइंट ए, मिड पॉइंट और पॉइंट बी, ठीक है. अब वो कहते हैं तीन पॉइंट आपके पास एक लाइन में पड़े हुए हैं, आर ए, आर और आर बी, ये इतने क्लोज हैं कि इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो इक्वल है. यानी कि अगर हम आर को आर ए पर डिवाइड कर दें और आर बी को आर पर डिवाइड कर दें तो आंसर शुड रिमेन सेम. बुक में देखें, आर ओवर आर ए, आर बी ओवर आर, क्या बताया, ये बताया कि तीन पॉइंट एक लाइन में पड़े हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट आर और पॉइंट बी आपस में क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. ये आपस में जब क्लोज होंगे तो इनके जो जियोमेट्रिक मीन्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्या किया आपने, आर को डिवाइड कर दिया आर ए पर, आर बी को डिवाइड किया आर पर, तो आंसर शुड रिमेन सेम. यानी कि यहाँ से आप निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर की वैल्यू. इसको फाइंड करने का एक मैथमेटिकल मेथड और भी है, उसको देखते हैं ज़रा. अच्छा, आर इक्वल आर ए प्लस आर बी ओवर टू, एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया. अब क्या किया, यही वाली वैल्यूज पुट की इक्वेशन नंबर 4 में. आर इक्वल आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई टू, आर बी की वैल्यू जो हमारे पास थी आर ए प्लस डेल आर, इस इक्वेशन में पुट की. आइए देखते हैं क्या हुआ, आर इक्वल आर ए प्लस आर ए प्लस डेल्टा आर, ठीक है. और जब हमने इन दोनों को जमा किया तो यहाँ से आया आर इक्वल टू आर ए प्लस आर डिवाइडेड बाई टू. इस इक्वेशन को जब मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया आर इक्वल आर ए प्लस डेल आर ओवर टू. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें आर स्केयर चाहिए. हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्केयर लेंगे. जब हमने दोनों तरफ स्केयर लिया तो यहाँ वही वाला फार्मूला, ए प्लस बी का फार्मूला आपने लगाया तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला आर स्केयर ए प्लस डेल आर स्केयर और फोर प्लस डेल ए डेल आर. इस वाले टर्म को आपने निगलेक्ट किया तो रिमेनिंग टर्म थी आर स्केयर इक्वल आर स्केयर ए प्लस आर ए डेल्टा आर. हमें किसकी वैल्यू मिल गई, आर स्केयर की. आर स्केयर की जब हमें वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब कहता है पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डेल्टा आर. आर स्केयर तो हमें मिल गया, यहाँ पर जो डेल्टा आर है ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. ऊपर आपको मैंने अभी दिखाया था जो डेल्टा आर है वो किसके बराबर था, वो बराबर था आर बी माइनस आर ए. तो आपने पुट किया, यहाँ से क्या रिजल्ट निकला आपके पास, हो गया फाइनल रिजल्ट निकला आर स्केयर इक्वल आर स्केयर ए प्लस आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए. ये आर बी माइनस आर ए किसकी वैल्यू थी, डेल्टा आर की वैल्यू थी. हमें आर स्केयर मिल गया, हम इसको मज़ीद अभी सिंप्लीफाई करेंगे. आर स्केयर ए एज इट इज़ आएगा, आर ए को आर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए को आर ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अच्छा ये इक्वेशन बनी आर इक्वल आर स्केयर इक्वल आर स्केयर ए आर ए आर बी माइनस आर स्केयर ए. दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो आर स्केयर इक्वल आर ए आर बी, ये आपको मिल गई इक्वेशन. ये इक्वेशन हमने इतना मेहनत क्यों की, हमने आर स्केयर की वैल्यू निकालनी थी और इसको जो ई वाली इक्वेशन थी ई इक्वल वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्केयर वहाँ समराइज करना था. तो आर स्केयर की जगह मैंने क्या लिखा, आर ए आर बी. आर स्केयर की जगह क्या लिखा मैंने, आर ए आर बी. अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो कि रिलेटेड थी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से. इक्वेशन थी आपके पास डेल वी इक्वल ई माइनस डेल्टा आर. डेल वी का मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी. वी ए माइनस वी बी इक्वल माइनस ई, यही माइनस इक्वेशन में है, मैंने खुद से नहीं लगाया. ई एज इट इज़ आ गया. अब यहाँ पर डेल्टा आर इक्वल आर ए माइनस आर बी, ये हमने यहाँ पर आर ए माइनस आर बी क्यों पुट किया, जबकि जो आपकी पीछे इक्वेशन थी आपने जो पीछे अभी यूज़ की वहाँ पर थी आर बी माइनस आर ए. बेशक आप देख भी सकते, ये देखें ये इक्वेशन है आर बी माइनस आर ए और अभी मैंने क्या लिखा आर ए माइनस आर बी. क्या मतलब, ये जो है ये वेक्टर और स्केलर का फ़र्क यहाँ पर मेंशन करेंगे. यहाँ जो आर बी माइनस आर ए है ये डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ए और बी के दरमियान कितना फासला है. दोबारा सुने, ये जो है आर बी माइनस आर ए ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है.
अच्छा अब हम बताएंगे हमने आर ए माइनस आर बी क्यों लिखा, तो देखते हैं। अच्छा यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है आर ए माइनस आर बी। यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस था, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पोटेंशियल जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देयरफॉर यहाँ पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट के तहत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सच दैट वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें जो क्या मिलेगा आंसर, हमें कोई स्केलर मिलेगा। दोबारा सुने, कहता है यहाँ पर क्या बताया उसने, आर ए माइनस आर बी हमने क्यों लिखा, यहाँ पर ये है डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम दोनों को डॉट डॉट प्रोडक्ट के लिहाज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बनी आपकी, वी ए माइनस वी बी इक्वल माइनस ई इंटू आर ए माइनस आर बी। फाइनल पोजीशन ए है, हमने पार्टिकल को यानी कि हमने चार्ज को बी से कहाँ तक लेकर जाना है, अभी बताया था आपको, चार्ज को बी से हमने ए तक लेकर आना है। जो ए है वो हमारी फाइनल पोजीशन है, जो बी है वो हमारी इनिशियल पोजीशन है। तो होगा क्या, यहाँ उसने एक और स्टेप किया है, वी ए माइनस वी बी इक्वल, ये माइनस आपको अब नज़र नहीं आ रहा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन अरेंज हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी इंटू ई इंटू आर बी माइनस आर ए। ये वही जो पहला स्टेप हमें चाहिए था, ये वही वाला स्टेप हमें मिल गया, यानी कि ये इन टर्म ऑफ डिस्टेंस था और ये इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा अब हमने क्या किया, हमने पुटिंग ई इक्वल वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी, ये वाली जो चीज़ थी आपने इसी इक्वेशन में पुट की। देखें गौर से, वी ए माइनस वी बी आपके पास है, आर बी माइनस आर ए इसको भी आपने अरेंज कर लिया। अब आपके पास क्या मिसिंग है, ई मिसिंग है, तो आपने इसको पुट करना है, देन इक्वेशन बनेगी वी ए माइनस वी बी इक्वल वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। ये ई की वैल्यू है और यहाँ से आर बी माइनस आर ए एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब क्या हुआ, Q को यहाँ वन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया Q ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आया आर बी माइनस आर ए आ गया, डिवीजन में यहाँ पर था आर ए आर बी, अब ये डिवीजन वाला इस तरफ आ जाएगा, आर ए आर बी हो जाएगा। हमने क्या किया, इसकी जो बटा था उसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पर आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी, यहाँ से कैंसिलेशन हुई तो आपके पास रिजल्ट आया वी ए माइनस वी बी इक्वल क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी। यहाँ तक बात समझ आई है। अच्छा अब कहता है कि जो फाइनल इक्वेशन हमने हासिल करनी है तो उसमें क्या था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड करना था, वो एक पॉइंट की वजह से फाइंड करना था। मेरे ख्याल में आपको यहाँ पर कितने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, दो पॉइंट ए भी नज़र आ रहे हैं और पॉइंट आपको बी भी नज़र आ रहा है। ये फाइनल इक्वेशन है आपकी, आपने जो पोटेंशियल फाइंड करना था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट का था, एक पॉइंट का आपने फाइंड करना था। यहाँ तो आपको दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, तो इसको हम यहाँ कैसे टैकल करेंगे, तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान सा स्टेप है, यहाँ पर हमारे पास दो पोटेंशियल है, एक है वी ए एक है वी बी। एक पोटेंशियल, एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल फाइंड करना है तो जो दूसरा पॉइंट है उसको हम इतना दूर अज्यूम करेंगे कि वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। गौर से सुने, अगर आपने पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड करना है तो पॉइंट बी को आप इतना दूर अज्यूम करेंगे कि वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो लेट्स से कि जो पॉइंट बी है लाइज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। तो वी बी इक्वल ज़ीरो, तो आर बी जो है ये इनफाइनाइट यानी कि लामहदूद फासले पर है। जब हमारा बी पॉइंट लामहदूद फासले पर है, इन्फिनिट पर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ इक्वेशन आई वी ए, बी की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया, क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन ओवर आर ए आर बी की जगह आपने क्या लिख दिया, इन्फिनिट लिख दिया। मज़ीद इस इक्वेशन को आगे एक्सप्लेन करते हैं फाइनल रिजल्ट हासिल करने के लिए, तो आइए देखते हैं क्या है ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर सिर्फ वी ए लिखा हुआ, वी बी कहाँ गया, खुद तो बताया अभी आपने कि जो वी बी है उसको हमने ज्यूम किया कि वो बहुत दूर है, जब वो इनफाइनाइट पर है तो वो पोटेंशियल ज़ीरो होगा, उसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो इक्वेशन आई वी ए इक्वल क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन ओवर आर ए, इसको मज़ीद अरेंज किया तो वी ए इक्वल वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर ए लिखें, आप जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो, तो ये जनरल इक्वेशन आ जाएगी वी आर इक्वल वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ये था आज का फाइनल टॉपिक और इसका क्या है फार्मूला। मैं अब एक दफ़ा दोबारा इस टॉपिक में हुआ क्या उसको मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको।
यूँ था कि आपके पास एक चार्ज था, ठीक है, उसको आपने पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर आना था। उसके लिए आपने क्या करना था, आपने वर्क डन करना था। जो पॉइंट ए और बी थे वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थे, वो क्लोज थे तो जो वहाँ पर वर्क होना था वो इन टर्म ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स होना था, ठीक है। तो वो सारे स्टेप हमने किए, उसके बाद हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक से स्टार्ट किया। इस टॉपिक में जो हमारी मेजर इक्वेशन थी जिस पर हमने काम किया वो थी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन, ठीक है। उसी इक्वेशन को आपने माइंड में रखते हुए पूरा आपने एक्सप्रेशन जो है सॉल्व किया। अच्छा एक और बात, जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं ना, ये आप एडवाइस समझ लें, तो आप जो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं वो साथ साथ खुद सॉल्व किया करें। जस्ट देखने से नहीं समझ आएगी, लेक्चर के दौरान वीडियो के दौरान जब आप देख रहे होते हैं लेक्चर तो आप साथ साथ एक रफ कॉपी लेकर जितना भी स्टेप्स होते हैं वो सारे साथ साथ नोट किया करें। लेक्चर के एंड पर आप लिया करें स्क्रीनशॉट, फिर आप मैच किया करें कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप अपने हाथ से साथ साथ नोट करते जाएंगे ना तो आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक के साथ एक एग्जांपल भी आई है, आपने उसको भी लाजमी सॉल्व करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने शेयर करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।